जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया ट्यूटोरियल जो कि फोटोशॉप के ऊपर है, और इसमें मैं आपको ये बताऊँगी कैसे आपको टेक्स्ट इफेक्ट को यूज़ करना है। बहुत ही सिंपल है, चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने पहले से ही एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रखा है आप लोगों के लिए, टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए। अब इसमें आप देखेंगे मैंने पहले एक बैकग्राउंड डाउन कर लिया जो कि मैंने गूगल से डाउन किया डायरेक्टली। इसके ऊपर मैंने एक एडजस्टमेंट लेयर लगाई है जो कि लेवल्स की है, आप यहाँ से लगा सकते हैं लेयर्स। ये सारी जो होती है एडजस्टमेंट लेयर्स होती है, आपको सिंपली यहाँ पे जाना है लेवल्स पे और उसको अपने हिसाब से सेट करना है, और फिर उसको मैंने मास्क कर दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे वो सब जो डार्कनेस थी वो नहीं चाहिए। ऊपर दो लेयर और है लेकिन वो दोनों है टेक्स्ट की लेयर, यहाँ पे इनको ऑन कर लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी लेयर क्या है, ठीक है। अब जो अपना टेक्स्ट इफेक्ट है वो अपन इन दोनों पर यूज़ करेंगे। कैसे, आपको सिंपली जो ऊपर लेयर है उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने से ब्लेंडिंग ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि कलर आप इसका कुछ भी रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अपन जो इसका फिल है, जूम करके देखिए ये वाला जो फिल दे रखा है इसको अपन ज़ीरो करने वाले हैं, क्योंकि अपन को इसमें फिल नहीं चाहिए। फिल का मतलब जो भी इसमें कुछ कलर्स हो वो सब नहीं चाहिए, अपन को सिर्फ इसकी आउटलाइन चाहिए। अब इफेक्ट डालने के लिए इस पर राइट क्लिक करना है और ब्लेंडिंग ऑप्शन में आ जाना है। ब्लेंडिंग ऑप्शन ओपन करेंगे तो एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसको थोड़ा साइड में कर लेते ताकि आपको यहाँ पर दिखता रहे कि क्या क्या चेंजेस इसमें हो रहे हैं। सबसे पहले अपन को जाना है बेवल एम्बोस में, वो ऐसे लग रहा है जैसे इस टेक्सचर के ऊपर एम्बोस हो गया है जो अपना टेक्स्ट है। अब इसकी थोड़ी सेटिंग चेंज करते हैं, कैसे करनी है, आपको जो स्टाइल है उसको एम्बोस कर देना है। तो आप देखेंगे थोड़ी सी हल्की इसमें चेंज आए, हल्का सा बिल्कुल, और स्मूथ को स्मूथ ही रहने देना है क्योंकि अपन को स्मूथ चाहिए। बाकी आप क्रिस्प हार्ड करें तो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, अपन को स्मूथ चाहिए तो उससे थोड़ा अच्छा लगेगा। डेप्थ इसकी 100% रहने दो, डेप्थ से अपन को ज़्यादा कुछ छेड़ना नहीं है। साइज़ की बात करते हैं, साइज़ को थोड़ा सा अपन कम कर लेते हैं, अप्रॉक्स 4 कर लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा फर्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा, जूम करके देखें तो आपको पता चल जाएगा। बाकी सॉफ्टन वगैरह को आपको छेड़ना नहीं है। जो एंगल है वो 120 डिग्री इसको रहने दो, जैसा है डिफ़ॉल्ट वैसा अपन काम चल जाएगा अपना। लेकिन यहाँ जो दे रखा है यूज़ ग्लोबल लाइट, इसको हमेशा चेक रखना है। ये देखिए चेक नहीं कर रहा हूँ तो वो डिफरेंस हो रहा है। चेक करने से ये होता है कि आप जो भी इफेक्ट इस पूरे डॉक्यूमेंट पर लगाएंगे, चाहे बेवल एम्बोस लगाओ, चाहे स्ट्रोक, चाहे जो भी लगाओ, वो सारे इसी डिग्री पर काम करेंगे। जो 120 डिग्री आपको बार बार चेंज नहीं करनी, एक बार आपने 120 सेट कर दिया तो हर इफेक्ट में हर लेयर के ऊपर 120 रहेगा इस पूरे डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है। नीचे आपको जो कुछ सेटिंग दे रखी है उसको आप नहीं छेड़ना है, जो डिफ़ॉल्ट है उसको डिफ़ॉल्ट रहने दें, और इसको ऑन कर लो चाहे ऑफ कर लो, अभी इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है, ठीक है। हाइलाइट्स मोड है, हाइलाइट्स का जो होता है जो ऊपर जो लाइट्स आ रही है वाइट कलर की, यहाँ पे आप देखिए ये जो वाइट कलर की लाइन्स आपको नज़र आ रही है, इसका जो ब्लेंडिंग मोड है उसको अपन चेंज कर लेते हैं, और अपन कर लेंगे लीनियर डॉज, और कलर जो इसका वाइट ही रहने दो, जो डिफ़ॉल्ट है उसको रहने दो। ओपेसिटी इसकी हल्की से अपन कम कर लेते हैं, बिल्कुल हल्की से, ज़्यादा कम नहीं करनी वरना आपको शो नहीं होगी हाइलाइट्स। शेडो जो है उसको भी अपन चेंज कर लेते हैं, अपन इसमें शेडो को अपन लेंगे कलर बर्न, या फिर इसमें अपन लीनियर बर्न भी यूज़ कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा हल्का सा फ़र्क पड़ा है, थोड़ी सी इसको कम कर लेते हैं, ठीक है। अब ये सही लग रहा है बेवल एम्बोस वाला। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टाइल के ऊपर, यहाँ से जो और स्टाइल है अपन को नेक्स्ट स्टाइल यूज़ करनी है। कैसे करनी है, नेक्स्ट स्टाइल जो है वो अपनी है ग्रेडियंट ओवरले, ठीक है। ग्रेडियंट ओवरले अपन जैसे यूज़ करेंगे तो एक ग्रेडियंट उसके ऊपर ओवरले के ब्लेंडिंग मोड से आ जाएगा। अब इस पर डबल क्लिक करके आपको जो ग्रेडियंट है उसको चेंज करना है, डिफ़ॉल्ट वाला है अपन वही ले लेते हैं, इस पर सिलेक्ट करके और ओके क्लिक कर देना है तो वो वाला अप्लाई हो जाएगा। लेकिन वो बहुत गंदा लग रहा है मुझे पता है, लेकिन उसको अपन को सेट करना है। कैसे, अपन को जो इसका ब्लेंडिंग मोड है उसको चेंज करना है, और यहाँ पे आप देखेंगे ओवरले दे रखा है, इसको क्लिक कर देना है तो वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा है तो ओपेसिटी उसकी कम कर लेनी है, बिल्कुल इतनी सी कर दें, अप्रॉक्स 20 कर देते हैं तो ठीक लग रहा है। आप इसको ऑन ऑफ करके देख सकते हैं तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, जिससे वो लगे बिल्कुल शाइन आ रही है उसके ऊपर, ठीक है। और बाकी आपको इसमें कोई सेटिंग को छेड़ना नहीं है, बस यहाँ पे जो दे रखा है इसको आप वापस चेंज कर लो 120 डिग्री पे, ठीक है। जो अपने वहाँ रखी थी वहीं आप वही डिग्री आपको यहाँ पे रखनी है, जिससे वो उससे मैच हो जाए, ठीक है। स्टाइल लीनियर रहनी है, बाकी अपन को कुछ छेड़ना नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं ड्रॉप शेडो की तरफ। ड्रॉप शेडो पे जैसे क्लिक करेंगे सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अब इसमें जो मल्टीप्लाई दे रखा है ये डिफ़ॉल्ट आया है, इसको अपन चेंज कर लेते हैं कलर बर्न में। कलर बर्न मतलब थोड़ा सा डार्क और हो जाएगा, और इसको 35% रहने दो, ठीक है। और यूज़ ग्लोबल लाइट्स इसको चेक ही रहने दो, जैसे मैंने पहले बताया। और डिस्टेंस को थोड़ा अपन एडजस्ट कर लेते हैं, अप्रॉक्स 11 कर लेते हैं। और स्प्रेड मतलब कितना फैलाना है इसको, उसको भी उसके बराबर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, बिल्कुल हल्का सा, जिससे वो थोड़ा फेड हो जाए, बिल्कुल उसमें मैच हो जाए, तो 16 बेटर लग रहा है। बाकी ये नीचे अपने वो छेड़ना नहीं है। तो ये इफेक्ट अपना अप्लाई हो चुका है, सिंपली आपको ओके पे क्लिक कर देना है तो वो इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा।
अब देखेंगे जैसे मैं जूम इन कर रहा हूँ तो इफेक्ट सही लग रहा है, जूम आउट करो इफेक्ट ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि जो ग्राफिक कार्ड है ये बहुत मैटर करता है कि आपका ग्राफिक कार्ड कौन सा है और किस क्या आपके पीसी की स्पेसिफिकेशन क्या है, उस हिसाब से ये सारा काम होता है इसमें फोटोशॉप में, क्योंकि ये बेस्ड होता है ग्राफिक कार्ड पे। अगर ग्राफिक कार्ड अच्छा है तो इफेक्ट काम करेंगे, ग्राफिक कार्ड अगर नहीं है तो इफेक्ट काम नहीं करेंगे, जो हैवी इफेक्ट होते हैं। ये तो नॉर्मल इफेक्ट है इसलिए काम कर गया और देखने में अच्छा भी लग रहा है। अब बढ़ते हैं नीचे वाले की तरफ, थोड़ा जूम कर लेते हैं, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, और वही डबल क्लिक या फिर राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन, डबल क्लिक करना हो तो खाली स्पेस पर डबल क्लिक कर देना तो वही सारे ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। पहले ब्यू लंबोस वही चीज़ आपको इसके ऊपर भी अप्लाई करनी, लेकिन उससे पहले अपन ने एक चीज़ मिस कर दी है, एक बार उसको कैंसिल कर देना है, और जो फिल है उसको ज़ीरो करना है। ऊपर वाले अपन ने कहा था वैसे ही नीचे वाले में फिल को ज़ीरो करना है, इस पर डबल क्लिक करना है वापस, ब्लेंडिंग ऑप्शन ओपन हो जाएंगे और ब्यू लंबोस यही इफेक्ट आपको ओपन करना है। फिल इसलिए अपन ज़ीरो करते हैं, जैसे कई बार आपको वाटर वाले इफेक्ट देना हो तो वो आप फिल वाले से दे सकते हैं, और कुछ इफेक्ट्स भी आप फिल को ज़ीरो करके दे सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ इफेक्ट्स होते हैं, बताऊंगा आगे आगे। तो बिवेलम्बोस मैंने ऑन कर दिया है, ये सेटिंग आपको छेड़नी नहीं है, इसको जो पहले वाला था वही रखना है, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है जो अप दे रखा है डायरेक्शन, उसको डाउन कर देना है, तो आप देखेंगे वो वाला आपको इफेक्ट मिल जाएगा जो आपने थंबनेल में देखा होगा। तो बस एक छोटे से क्लिक से वो चेंज हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी डिटेल्स देना बाकी है, वो कैसे देते हैं आगे देखिए। साइज़ को थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने 6 कर दिया तो ठीक लग रही है। ये डॉक्यूमेंट के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये फिक्स वैल्यू आपको कॉपी नहीं करनी है, जो आपको डॉक्यूमेंट है उस अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं, आपको अच्छा लगे कि हाँ ये ठीक लग रहा है उस हिसाब से आप इसको सेट कर लीजिए, फिक्स कुछ भी नहीं है। सॉफ्टनेस को 0 रहना, क्योंकि अपन को सॉफ्टनेस नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और ग्लोबल लाइट्स जैसे अपन ने पिछले वाले इफेक्ट में चेक किया था, मैंने यहाँ पर टिक लगाया था और 120 था, तो वो इसमें 120 दिखा रहा है क्योंकि वहाँ पर अपने सेट कर दिया था। हाईलाइट्स के ऊपर थोड़ा सा अपन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको कम कर सकते हैं अपन हाईलाइट्स को, और अप्रॉक्स इतना, बाकी इसमें कुछ छेड़ना नहीं है, ठीक है। सेकंड जो अपनी स्टाइल है वो है इनर शेडो, मतलब जो यहाँ पे शेडो आ रहा है इसको अपन को थोड़ा डार्क करना है। जैसे मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं डिफरेंस आपको पता चली गया, इसमें थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर देनी है अपन को। जैसे मैंने यहाँ पे कलर बर्न ले रखा था तो वही लेना है, क्योंकि मैं ज़्यादा यही यूज़ करता हूँ। ओपेसिटी इसकी आप 24 या 23-25 जो रख सकते हैं वो आपको रखना है अपने हिसाब से। यूज़ ग्लोबल लाइट्स यहाँ पे फिर से ऑन कर देना है, क्योंकि अभी आपको थोड़ा डिफरेंट दिखाता हूँ। देखिए अगर मैं इसको यहाँ मूव कर दूँ तो देखिए पूरी सेटिंग बिगड़ जाएगी, तो वो गलती मत करना, कंट्रोल जेड कर लो या फिर इसको वापस 120 डिग्री अपन लिख के छोड़ देते हैं, तो वही इफेक्ट आपको मिल जाएगा। इसको हमेशा चेक करना, बाकी इसको अपन को कभी भी छेड़ना नहीं है, एक बार सेट करना है बस। डिस्टेंस अपन इसका रख लेते हैं जैसे अप्रॉक्स 7 या 6 बेटर है। चोक को अपन को छेड़ना नहीं है, साइज़ को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जी कितने आपको साइज़ में ये अंदर की तरफ चाहिए, जो शेडो है वो कितना अंदर चाहिए, तो मुझे थोड़ा शार्प चाहिए, जितना कम रखें उतना शार्प हो जाएगा, ठीक है 10 कर लेते हैं, सही है। तीसरा जो अपन लगाएंगे इसमें बाकी कुछ छेड़ना नहीं, तीसरा जो इफेक्ट है वो अपन लगाएंगे कलर ओवरले का, जो यहाँ पे दे रखा है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखेंगे वो कलर इसके ऊपर सेट हो जाएगा, लेकिन उसको चेंज करना है। ये वाला कलर अपन को नहीं लगाना, अपन को प्योर ब्लैक चाहिए, और ओके कर दूंगा, लेकिन ये बहुत गंदा लग रहा है, इसको आपको थोड़ा चेंज कर लेना है कलर बर्न में। कलर बर्न इसलिए यूज़ करते हैं जिससे कि वो थोड़ा डार्क रहे हर बार, और ओपेसिटी तो अपन को कम करनी है। ऊपर वाला डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए, उस हिसाब से नीचे वाले की ओपेसिटी आप सेट कर सकते हैं कि थोड़ा मैच हो जाए, ज़्यादा नहीं करना है, जैसे 7 में बेटर लग रहा है, ठीक है, और ओके को क्लिक कर देना है। अब कंट्रोल 0 करके आप फिट टू स्क्रीन कर सकते हैं इसको, और या फिर जूम आउट और कर सकते हैं। अब अपना इफेक्ट जो अपने यूज़ किया वो कंप्लीट हो चुका है, ट्यूटोरियल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया कि मैं आपको बोनस ट्रिक ज़रूर बताऊंगा, तो बोनस ट्रिक क्या है कि एक बार आप इसको बंद कर दीजिए, यहाँ से कोलैप्स कर सकते हैं। अब ये इफेक्ट मुझे किसी दूसरे नेम के ऊपर चाहिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा योर नेम, योर नेम मतलब अगर आप अपना नाम यहाँ लिख के उसके ऊपर इफेक्ट यूज़ करेंगे तो ये इफेक्ट यूज़ हो जाएगा, लेकिन अगर आपको नाम चेंज करना हो और ये इफेक्ट वापस उसी पे यूज़ करना हो तो वो कैसे होगा, आपको सिंपली यहाँ दोनों लेयर दे रखी है, जैसे आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे वो लेयर सिलेक्ट हो जाएगी और एडिट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जो यहाँ से टेक्स्ट वाला टूल लेके अपन करते हैं वही चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। अब आप इसमें कुछ भी लिखिए, जैसे मैं ART लिखता हूँ ART, तो वही इफेक्ट इसमें लग जाएगा अपने आप, आपको कुछ करना नहीं है, बस ये जो लेयर की स्टाइल से यहाँ पे ये वाली ये बस आपको ऐसी ही रखनी है। और अगर बाय चांस जैसे मैं कुछ न्यू लेयर लेता हूँ, जैसे मैं टीथ प्रेस किया यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और इसमें मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया निखिल और एंटर प्रेस कर दिया, इसकी साइज़ को मैं एक बार बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है, और जूम करके आपको दिखाता हूँ। लेकिन आप देखेंगे वही इफेक्ट मुझे इस वाली लेयर के ऊपर यूज़ करना है, मैं ये नहीं कह रहा इस टेक्स्ट के ऊपर,
इस लेयर के ऊपर ये वाले जो इफेक्ट है वो यूज़ करना है। तो वो कैसे करेंगे, इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे कॉपी लेयर स्टाइल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है और जिस लेयर के ऊपर आपको उसको अप्लाई करना है उस लेयर को सिलेक्ट करके उस पर राइट क्लिक करके और उस पर आपको पेस्ट कर देना है। नीचे ऑप्शन मिलेगा थोड़ा सा नीचे, ये वाला आप देख सकते हैं पेस्ट लेयर स्टाइल, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो वही इफेक्ट आपको मिल जाएगा बिल्कुल सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं मिलेगा आपको उसमें। और इसको आप मूव करेंगे, यहाँ देखिए जैसे मैं इसको डार्क एरिया में लेके जाऊँगा तो वो चीज़ डार्क हो जाएगी, लाइट में लाऊंगा तो लाइट हो जाएगी, क्योंकि अपन ने जो इफेक्ट यूज़ किए वो सब ओवरले पे यूज़ किए और जो ब्लेंडिंग मोड है वो बिल्कुल परफेक्ट है लेयर के हिसाब से और जो पीछे बैकग्राउंड कलर्स है उसके हिसाब से अपने आप सेट हो जाते हैं, क्योंकि अपन ने जो फिल है उसको जीरो कर रखा है। तो फिल जीरो करने का ये फ़ायदा है, अगर मैं इसमें फिल को फुल कर देता हूँ तो आप देखेंगे वो जो कलर मैंने यहाँ ले रखा था वो कलर इसमें अप्लाई हो गया, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। तो ये है आज का ट्यूटोरियल और लास्ट में मैंने आपको एक ट्रिक बता ही दी, अगर ट्रिक अच्छी लगी और ट्यूटोरियल भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर सकते हैं और ऐसी ही और वीडियो आपको चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप अपने फ्रेंड की भी हेल्प करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर आगे शेयर करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और वीडियो आपके लिए बनाने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप डूइंग।